जानता हूं सीते, प्रश्न है तुम्हारे मन में कि क्यों सिया के राम ने अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह किया। क्यों ये राम अपनी सीता की सुचिता को अविश्वास की तुला पर तौल रहा है। सीते, मेरी चलती श्वास मेरे विश्वास का प्रमाण है। यदि किसी भी क्षण मैंने अपनी सीता पर संदेह किया होता तो उसी क्षण मेरे प्राण मेरा त्याग कर देते, मेरी विद्या मेरा कौशल मेरा साथ छोड़ देते। ये राम ब्रह्मास्त्र तो क्या एक दिन का संधान तक नहीं कर पाता। यदि मैंने अपनी सीता पर संदेह किया तो मेरा हृदय फट जाएगा। अब हम केवल पति पत्नी नहीं है सीते, न मैं केवल सिया का राम और न तुम केवल राम की जानकी हो। अब हम समाज के हैं, अयोध्या के होने वाले राजा और महारानी हैं, समाज के लिए दर्पण है। हमारी छवि का प्रतिबिंब प्रजा के कर्म में दिखेगा। जो राजा और रानी समाज को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझते हैं वही समाज को और शक्तिशाली बनाते हैं और स्वयं भी शक्ति पाते हैं। सीते, मौन क्यों हो सीते? अपने राम से कब से अपने मन की बात छुपाने लगे? छुपा तो आप रहे हैं आर्य, अपने हर प्रश्न के पीछे की पीड़ा मेरे मान के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी, स्वयं को अविश्वसनीय हृदयहीन पत्नी पर संदेह करने वाले की उपमा दे दी। ये सीता हर संदेह सहन कर सकती है किंतु अपने श्री राम के नाम को कलंकित होते कैसे देख पाऊंगी मैं? इस दुख का अंश मैं भी भोगूंगा सीता, जब जब मेरी सीता पर कोई उंगली उठाएगा। अब मेरी पीड़ा की औषधि भी मेरी सीता है और मेरे धर्म संकट का हल भी। ये सीता अपने श्री राम की समस्या नहीं बन सकती आर्य, पग पग पर अपने श्री राम के साथ चलने वाली ये सीता कर्तव्य पथ पर भी उनके साथ चलेगी। श्री राम की सीता अपने पवित्रता का प्रमाण देगी और पार्थी वो होगा जो इस संसार में सबसे निष्पक्षी है। केवल सीता को ही नहीं राम को भी परखा जाएगा, क्योंकि राम और सीता के राम और सीता सदा एक थे, एक है, सदा एक रहेंगे। आज ये संसार ये समाज एक सती का समर्पण देखेगा, एक नारी का साहस देखेगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जिया हर एक क्षण मेरे लिए आदर्श है सीते। केवल श्री राम ही नहीं, अब ये सीता भी अपनी शुद्धि का प्रमाण चाहती है। संदेह सहज है, भूमि से उपजी वनस्पति तक बिना धोए उपयोग में नहीं ली जाती,
तो फिर ये भूमि जा कैसे अपनी शुद्धि सिद्ध किए बिना अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सकती है। मेरे माता पिता तो यहाँ है नहीं। देवी मंदोदरी और त्रिजटा के संशय को ये संसार नहीं मानेगी क्योंकि वो दशानन से जुड़ी है। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण भैया के संशय को भी ये समाज नहीं मानेगा क्योंकि ये सब मेरा आदर करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा निष्पक्ष है जो मेरा संशय दे। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का, परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता, अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने, सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी, श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दाव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा, परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है, मातृभूमि अयोध्या। हार केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है।
लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष, यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.